नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। वक्त हो चला है कुछ खास खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF, जो कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने का काम करती है, उसने पाकिस्तान को पिछले साल अपनी ग्रे लिस्ट में रखा था। सितंबर में FATF पाक को आतंकवाद पर ठीक ढंग से कार्रवाई न करने के लिए ब्लैक लिस्ट कर सकता है। हालांकि इमरान सरकार ने अब इससे निपटने की नई तरकीब निकाल ली है। उसने आतंकियों के खिलाफ नकली और कमजोर मुकदमे दर्ज करवाने शुरू कर दिए हैं। अफगानिस्तान ने पश्चिम काबुल के एक वेडिंग हॉल में आत्मघाती बम विस्फोट हुआ, जिसमें लगभग 63 लोगों की मौत हो गई, जबकि 183 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इस समारोह में करीबन 1000 मेहमान मौजूद थे। सपा नेता और रामपुर से सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के हमसफर रिसोर्ट होटल की दीवार गिराने के बाद जिलाधिकारी एक और बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। डीएम का कहना है कि जेसीबी द्वारा जो दीवार तोड़ी गई है, नहर विभाग आजम खान से उसका जुर्माना वसूलेगा और जो उस दीवार में पुरानी ईंट निकली है, उसकी भी 9 सदस्य की गठित टीम द्वारा जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग अपने कारनामों के लिए काफी बदनाम है। यहां आए दिन स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही की तस्वीर देखने को मिल ही जाती है। ताजा मामला संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र के सरकारी अस्पताल का है। यहां घायल को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया था, जिसे इलाज के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन घायल को अस्पताल में एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं कराई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल हो सकता है और योगी मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। मौजूदा समय में सीएम योगी समेत मंत्रिमंडल में कुल 43 सदस्य हैं, जबकि अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है और कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। बांदा के भूरागढ़ कोतवाली क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक युवक और युवती की लाश मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों ने प्रेम प्रसंग में असफल होने के चलते ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ये गुत्थी सुलझाने में पुलिस लगी हुई है कि प्रेमी युगल ने आत्महत्या की है या ऑनर किलिंग के चलते उनकी हत्या की गई है। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक व्यवसायी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता श्याम बाबा के नेतृत्व में 250 कार्यकर्ताओं ने टोल कर्मचारियों के व्यवहार से तंग आकर महुअन टोल को फ्री करा दिया है। साथ ही टोल फ्री प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान टोल अधिकारियों को करीबन 1 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आंदोलनकारियों को समझाया और टोल को वापस से व्यवस्थित कराया। अमृतसर के काठियावाला बाजार में लेनदेन के विवाद में दो व्यापारियों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और उनका कहना है कि दोनों दुकानदारों का पैसों का लेनदेन था, जिसको लेकर झगड़ा हुआ था। इस मामले की जांच में जो भी आरोपी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के जिला स्वास्थ्य विभाग के 150 कर्मचारियों ने नगर विकास शहरी समग्र विकास मंत्री को प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 10 महीनों से वेतन न मिलने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और ऐसी स्थिति में सभी कर्मचारियों का परिवार भुखमरी के कगार पर है। कर्मचारियों ने पत्र में स्वास्थ्य मंत्री से पिछले 10 महीनों का वेतन दिलाए जाने को लेकर और स्वास्थ्य समिति में सम्मिलित किए जाने को लेकर मांग की है। साथ ही समस्या का जल्द निराकरण न करने पर धरना प्रदर्शन की धमकी भी दी है।